हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड टू, सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, पिछले दो वीडियो में हमने संयुक्त व्यंजन के बारे में अभ्यास किया। आज के वीडियो में हम संयुक्ताक्षर और द्वित्व व्यंजन के बारे में अभ्यास करेंगे। तो आप अपने हिंदी किताब में पेज नंबर 59 निकालिए। निकाला बच्चों? देखिए देखिए, पढ़िए और समझिए। उसमें हम सबसे पहले क्या सीखेंगे? संयुक्ताक्षर। तो संयुक्ताक्षर का मतलब क्या होता है बच्चों? संयुक्त का मतलब ही होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। तो संयुक्ताक्षर ऐसे अक्षर होते हैं, इसमें दो वर्णों को जोड़कर अक्षर यानी कि शब्द बनाए जाते है। यानी उसमें एक शब्द, एक वर्ण आधा होता है और दूसरा पूरा होता है। इसमें ये आधा वर्ण और पूरा वर्ण, दो वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं, यानी अक्षर बनते हैं, उनको संयुक्ताक्षर कहते हैं। इधर एक उदाहरण दिया है, वो हम देखेंगे। यहाँ देखिए, म है प्लस आधा क प्लस ख, और ख के पीछे इकी मात्रा। तो इन तीनों को मिलाकर कौन सा शब्द बना? मक्खी। आपने देखा इसमें क क्या है? आधा है। कैसा है? आधा, और ख पूरा है, यानी आधा क और ख को मिलाया है। तो इनको मिलाकर शब्द बना मक्खी। मक्खी यानी ये वाला चित्र है ना, उसको मक्खी बोलते हैं। तो आपने देखा यहाँ दोनों वर्ण अलग अलग है, क भी अलग है और ख, ये अलग अलग वर्णों को मिलाते हैं। किसमें? संयुक्ताक्षर में। दो अलग अलग वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। इसमें जो बीच वाला आधा वर्ण है उसकी ध्वनि धीरे से निकलती है। कैसी निकलती है ध्वनि? धीरे से। जैसे आप सुनिए मक्खी, तो क पूरा उसका उच्चारण नहीं होता, लेकिन उसका उच्चारण आधा ही होता है, क्योंकि वो आधा लिखा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ दूसरे कुछ शब्द दिए है, वो हम समझेंगे। देखिए इधर प, प के नीचे क्या लगा है? हलत चिन्ह। मैंने आगे आपको बताया था कि जिस भी व्यंजन के नीचे हलत चिन्ह लगा हो तो हमें समझ जाना है कि वो व्यंजन आधा है। कैसा है? आधा, यानी कि प आधा प्लस य पूरा यानी प्य। तो प आधा और य पूरा, इसका उपयोग करके इधर कुछ शब्द हमें दिए हुए है, वो हम देखेंगे। तो इसमें पहला है प आधा य पीछे आकी मात्रा और स, प्यास। कौन सा शब्द बना? प्यास। आप ध्यान से सुनिए, जो भी आधा वर्ण होता है उसकी आवाज पूरी नहीं निकलती, ध्यान से प्यास। तो उसी प्रकार से दूसरा शब्द है प्याज। पहला है प्यास, दूसरा है प्याज, उसके बाद है प्याला, उसके बाद प्यार। समझ में आ गया? आप देखिए इस सभी में प आधा है, तो उसकी ध्वनि पूरी नहीं निकलती, क्योंकि वो आधा लिखा जाता है। और संयुक्त अक्षर में दूसरा ये होता है कि ये आधा वर्ण और उसके पीछे आले वाला वर्ण जो होता है, वो दोनों वर्ण अलग अलग होते हैं। आपने देखा इसमें क अलग है और ख, ये दोनों वर्ण अलग अलग है। इसमें भी ये और ये वाले वर्ण दोनों अलग अलग है। संयुक्त अक्षर में दो अलग अलग वर्णों को मिलाया जाता है। उसी प्रकार से नीचे एक दिया है, आप वो भी देखिए। इसमें च, च के नीचे हलत चिन्ह है, यानी कि च आधा है प्लस छ, यानी ये दोनों को मिलाकर इधर कुछ शब्द बनाए है, वो हम देखेंगे। पहला है अच्छा। क्या है? अ च आधा और छ और आ की मात्रा, अच्छा। सिर्फ च की कैसी सामान्य ध्वनि ही सुनाई देती, पूरी ध्वनि नहीं निकलती। गुच्छा, स्वच्छ, लच्छा। समझ में आ गया बच्चों? आपको संयुक्त अक्षर का उच्चारण किस तरह से करना है वो आपको अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद आता है द्वित्व व्यंजन। अब द्वित्व व्यंजन क्या है? वो भी संयुक्त अक्षर की तरह ही हमें दिखते है, लेकिन उसमें क्या अंतर होता है? जिस तरह से संयुक्त अक्षर में मैंने आपको बोला अभी के जो आधा वर्ण होता है और उसके पीछे आने वाला वर्ण, दो वर्ण
अलग अलग होते हैं, लेकिन द्वितीय व्यंजन में क्या होता है, जो आधा व्यंजन होता है और उसके पीछे वाला व्यंजन जो होता है वो दोनों एक ही होते हैं। यानी कि इसमें देखिए एक एग्जाम्पल दिया है, सी प्लस आधा क प्लस क और आ की मात्रा, यानी ए वाला व्यंजन और ए उसके पीछे जो आता है वो व्यंजन, वो दोनों एक ही होते हैं। एक व्यंजन आधा लिखते हैं और वही व्यंजन पीछे पूरा लगाया जाता है। और कौन सा शब्द बना, सिक्का। तो एक ही व्यंजन दो बार उपयोग होता है, आपने देखा ए एक बार इसका प्रयोग हुआ है और उसी व्यंजन का प्रयोग दूसरी बार हुआ है, इसीलिए उसको द्वितीय व्यंजन बोलते है। जैसे कि ये आधा क और उसको मिलाया उसके अंदर दूसरा पूरा क, तो इसे दो क, आधा क और पूरा क, इनको मिलाकर इधर कुछ शब्द बनाए हैं, वो हम देखेंगे। पहला है सी का, तो इसमें देखिए दोनों क का है ना, इसमें आधा है इसमें पूरा है। उसके बाद है पक्का, मुक्का, धक्का, समझ में आ गया। यानी एक ही व्यंजन का दो बार प्रयोग होता है, एक आधे आधा वर्ण लगता है और एक पूरा लगता है, उसको द्वैत्व व्यंजन कहते हैं। उसी प्रकार से इधर दूसरा एग्जाम्पल दिया है ट, यानी ट आधा है और ट पूरा, तो इधर कुछ शब्द दिए है खट्टा, तो इधर इसे ट आधा नहीं लिखे नीचे, लेकिन क्या लगाया, हलत चिन्ह। हलत चिन्ह लगाने से हमें समझ में आ जाता है कि ट कैसा है, आधा है, कैसा है, आधा। सबके नीचे जो आधा ट है इसके नीचे देखिए हलत चिन्ह लगा हुआ है, देखा आपने, यानी कि ये बीच वाला जो ट है वो आधा है। तो उसके शब्द का उच्चारण किस तरह से करेंगे हम, खट्टा, छुट्टी, मिट्टी, पट्टा, समझ में आ गया बच्चों। तो आपको संयुक्ताक्षर और द्वित्व व्यंजन में क्या अंतर है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद नीचे कुछ ऐसे वाक्य दिए हैं जिसके अंदर संयुक्ताक्षर और द्वित्व व्यंजन दोनों का उपयोग हुआ है, वो हम रीड करेंगे। मेरे पिताजी प्याले में चाय पीते हैं, क्या करते हैं पिताजी, किसमें चाय, प्याले में। तो यहाँ देखा कौन सा संयुक्ताक्षर है, क्योंकि इसमें ये दो वर्ण अलग अलग है, तो ये संयुक्ताक्षर है। आपको अब समझ में, देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि संयुक्ताक्षर कौन सा है और द्वैत्व व्यंजन कौन सा है। अब दूसरा वाक्य है, चाय का स्वाद उन्हें अच्छा लगता है। उसके बाद है, छुट्टी के दिन में पिताजी के साथ आटा चक्की जाता हूँ, मैं बाजार से मिट्टी के खिलौने लाता हूँ। अब आप बताइए इसमें से संयुक्ताक्षर कौन कौन से है और द्वैत्व व्यंजन कौन कौन से है। तो इसमें प्याले है वो क्या है, संयुक्ताक्षर है, फिर स्वाद वो भी संयुक्ताक्षर है, उन्हें वो भी संयुक्ताक्षर है, अच्छा वो भी संयुक्ताक्षर है, छुट्टी तो छुट्टी क्या है, द्वित्व व्यंजन है, फिर चक्की तो चक्की द्वित्व व्यंजन है, मिट्टी तो मिट्टी द्वित्व व्यंजन है। समझ में आ गया बच्चों आपको। अब आपको संयुक्त अक्षर और द्वित्व व्यंजन अच्छी तरह पहचानना आ गया होगा और उसका उच्चारण भी समझ में आ गया होगा। आपको आपकी किताब में से देखकर ये वाला पूरा पेज है, आपको अपने नए पेज पर, नोटबुक में नए पेज पे जो मैंने आगे वाला बोला था ना संयुक्त व्यंजन, उसके पीछे नए पेज पे ये संयुक्त अक्षर और द्वैत्व व्यंजन का ये जो है वो पूरा आपके नोटबुक में कंप्लीट करना है। अब हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय बच्चों।